स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे प्री बिल्ड सिस्टम यानी कि जो आप कंपनी से खरीदते हैं या असेंबल्ड सिस्टम के बारे में कि आप खुद से मदरबोर्ड खरीद के बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम लोग बात कर रहे हैं डेस्कटॉप पीसी के मामले में, और डेस्कटॉप पीसी के बारे में आप ये समझिए कि इससे बड़ा मल्टी टूल कोई नहीं होता है। ये एक चीज़ सब कुछ कर सकता है। आप आराम से आप एक कंप्यूटर लीजिए जिसमें आप गेमिंग करते हैं, आप एक कंप्यूटर लीजिए जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप एक कंप्यूटर लीजिए जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सब चीज़ कर सकता है, लंबे समय तक कर सकता है। लैपटॉप नहीं कर पाता है क्योंकि लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम बना नहीं है उस तरह का कंटिन्यूस लोड देने के लिए, जबकि डेस्कटॉप बनाया ही जाता है जो मतलब हाई पावर कंपोनेंट्स को हैंडल कर पाए प्लस कंटिन्यूसली हैंडल कर पाए। प्लस ये समझिए कि एक औजार होता है, मतलब आप कुछ घर में ही भले लगा लिए लेकिन आप अगर घर में रखें इंटरटेनमेंट के लिए तो आप चाहोगे ना कि भाई वो चले आए इंटरटेनमेंट के तरह से पूरी तरीके से। मतलब आप बैट बॉल खरीदते हो तो आप चाहोगे ना कि भाई बैट बॉल टूटे नहीं बार बार पे। तो इसको हम लोग औजार के नज़रिए से देखते हैं। आप ऑफिस में तब तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है, और आप घर में भी हैं तो भी आप इसको एज ए औजार ही देखते हैं। आप चाहे इसमें अपना घर में स्किल बढ़ाने के लिए ट्यूटोरियल देख देख के प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा औजार है और औजार की नज़र से देखना ज़्यादा अच्छा बात होगा आपके लिए। फिर आप ये कहिए कि इसको टेलर करना पड़ता है, तो आप ये बात आपको थोड़ा ऑड लग सकता है कि जब ये सब कुछ कर सकता है तो टेलर करने की क्या ज़रूरत है। ये बस वैसा ही बात हो गया कि कपड़े से कुछ भी बनाया जा सकता है लेकिन आपको पैंट बनाने के लिए दर्जी के पास जाना पड़ेगा। तो हिसाब ये है कि जितने हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि मतलब समझिए कंप्यूटर का जो भी चीज़ है उसको ये किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, तो इसका ये मतलब है कि आप AMD का लीजिए या इंटेल का लीजिए, आप किसी का भी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, किसी का भी आप रैम लगा सकते हैं, कोई भी हार्ड ड्राइव आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी SSD आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी NVMe आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब मिलाने के बाद हिसाब ये बनता है कि इतना सारा फ्रीडम के चलते मतलब कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है वो अनंत हो जाता है। किस कोई मतलब हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नहीं मैच करेगा, मतलब जबकि आप कहने को तो सब एक ही जैसा लगे, अरे इंटेल का प्रोसेसर है, AMD का ग्राफिक्स कार्ड है, या AMD का प्रोसेसर है, इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है, वो ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको हर कंप्यूटर अलग मिलेगा क्योंकि किसी में किसी और का रैम है, किसी में कुछ और है। तो ये समझिए कॉम्बिनेशन बहुत होता है। दूसरा, आपको ज़रूरत अलग हो सकता है, तो ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे एक प्रोसेसर बनाया जाएगा जो है 6-कोर है, वो बनाया गया है कि सिंगल परफॉर्मेंस, मतलब आप सिर्फ गेमिंग करते हो, कुछ ज़्यादा होशियारी नहीं करते, ठीक है, आराम से वो 6-कोर आपका हैंडल कर रहा है। फिर कुछ होते हैं जो लोग इसमें मान लीजिए CAD मॉडलिंग करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो लोग करते हैं वो बोलेंगे भाई हमको प्रोफेशनल ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, उनको मतलब GTX नहीं चाहिए, उनको क्वाड्रो चाहिए। तो अलग अलग नीड के हिसाब से मतलब क्या क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप एक कंप्यूटर लेते हैं जो 24x7 चलता रहेगा कि मतलब उसको बंद ही नहीं करना है, तो आप ऐसा कंपोनेंट्स उसमें डालिएगा जो मतलब कम पावर खाता हो और मतलब बना हो उस लेवल पे कि वो हैंडल कर सके 24x7 चलना। तो मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सामान खरीदा जाता है। अब ये भी समझिए कि सामान में भी क्लास होते हैं, तो वो क्लास को आप ऐसे समझिए कि जनरली दो क्लास होता है, एक होता है जिसको कंज्यूमर क्लास कहा जाता है, एक होता है जिसे एंटरप्राइज क्लास कहते हैं। तो एंटरप्राइज क्लास का सीधा ये मतलब होता है कि वो कंपोनेंट में आपको कोई छेड़ने नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर आप एक प्रोसेसर लेते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए बनाया गया, उसमें आपको ओवरक्लॉकिंग करने मिलेगा, आप एंटरप्राइज लेते हैं उसमें ओवरक्लॉकिंग करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एंटरप्राइज प्रोसेसर मतलब एंटरप्राइज में लगाया जाता है, वहाँ फेल होना कंपोनेंट का एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए ऐसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं जो जो भी रेटिंग दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया वो प्रोसेसर 3 GHz का है, तो वो 3 GHz का ये मतलब नहीं कि वो 3 GHz छूता है, वो 3 GHz का मतलब है वो 3 GHz 24x7x365 अंटिल द वारंटी पीरियड वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कभी कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन मतलब कंपनी को इतना भरोसा रहता है कि मैंने इस पे 5 साल की वारंटी दी है, ये 5 साल तक फुल परफॉर्मेंस पे काम करेगा। इसीलिए आपको कई बार अजीब लगेगा स्पेक के मामले में इंटरप्राइज का चीज़ कम लगेगा कि स्पेक तो यार ज़्यादा नहीं है, मतलब कोर कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, कैश कम है, तो सर इतना दाम क्यों है। वो दाम इसी के लिए आया जाता है कि वो सब टेस्टेड मटेरियल प्लस उसकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है कि वो 24x7 यूज़ कर सके। तो जैसे मान लीजिए कोई लोग वर्क स्टेशन कर रहा है, जैसे घर में बैठकर काम कर रहा है, और उसको चाहिए कि उसका कंप्यूटर 24x7 चलता रहे, मतलब मान लीजिए रेंडर खूब लगा देता है बैकग्राउंड में, तो वैसे लोगों को तो भाई ये इंटरप्राइज हार्डवेयर चाहिए, उनके लिए कंज्यूमर हार्डवेयर ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा लेकिन ख़राब हो सकता है। तो ये समझिए कि आपका ज़रूरत क्या है प्लस आप किस क्लास का सामान खरीदना चाहते हैं। और रैम में भी जैसे आप सुनते ही होंगे ECC रैम है,
जो कि जनरली लोगों को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो जो सीरियस है, जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं या आप कोई भी सिमुलेशन चला रहे हैं, तो आप चाहोगे कि आपका रैम के चलते ब्लू स्क्रीन ना आ जाए, तो आप ECC रैम लोगे। मतलब ख़त्म नहीं कर देता है कि कुछ आपका ख़राब नहीं होगा, लेकिन चांसेस कम कर देता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को अपने हिसाब से बनाना ज़रूरी होता है। तो अब हम आते हैं असेंबल्ड कंप्यूटर के बारे में। तो ये समझिए कि आप अपने ज़रूरत को अच्छे से जानते हैं, आपको क्या चाहिए आपको पता है, तो आपसे बेटर तो कोई बना नहीं सकता। असेंबल्ड कंप्यूटर ये अलाउ करता है कि जैसे मान लिया आपको लगता है यार मैं कंप्यूटर में सिर्फ कुछ ही देर काम करना है, तो एक सस्ता ही कंप्यूटर आप लिए, लेकिन आपका आपको पता था कि आप उसमें पिक्चर नहीं डालोगे, आप उसमें मतलब गाना वाना नहीं भरोगे, सिर्फ ऑफिस का सॉफ्टवेयर रहेगा, तो आप बोले भैया हम हार्ड ड्राइव की जगह SSD ले लेते हैं। SSD छोटा है लेकिन चूंकि स्पीड ज़्यादा है तो आपका काम जल्दी हो जाता है, और आपको कुछ उसमें करना नहीं था तो बिजली भी बच रहा है, तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे। तो असेंबल कंप्यूटर में ये फ़ायदा मिलता है कि आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या बहुत हाई पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, क्या आपको बहुत पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, क्या आपको खूब सारा रैम चाहिए। मान लीजिए आप कुछ ऐसा तिगड़म सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या आप वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं कि आपको खूब रैम चाहिए, मतलब आपका कंप्यूटर भले प्रोसेसर कमज़ोर हो, भले मतलब ग्राफिक्स कार्ड नहीं हो, लेकिन आपको रैम भरपूर चाहिए, तो कोई बाहर का कंपनी ज़रूरी नहीं कि आपका मतलब आपका ज़रूरत पूरा करे, लेकिन आप खुद से पूरा कर सकते हो। आप ले सकते हो एक पुराना प्रोसेसर ले लिए लेकिन उसमें 32 GB रैम डाल दिए या मतलब 64 GB रैम डाल दिए। तो इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में कि क्या परफॉर्मेंस ये दे सकता है, असेंबल्ड कंप्यूटर के आगे पीछे भी कोई नहीं आता। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे आप जाना चाहते हैं कि मेरे को पूरा दुनिया के सबसे कंपीटिंग करना है बेंचमार्किंग में कि मतलब मेरा कंप्यूटर से आगे कोई नहीं है, सिर्फ असेंबल्ड ही कर सकता है। मतलब वो अगर कोई कंपनी बेचेगा नहीं उस तरह का कंपोनेंट, क्योंकि उसका कोई खास मतलब नहीं होता। तो जिन लोगों को वो स्कोर बोर्डिंग चाहिए, जिनको ओवरक्लॉकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करना, तो वो सब असेंबल्ड ही बनाएंगे। तो सब चीज़ तो इसका बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ समझिए, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें केओस बहुत होता है। मतलब उलझन के मामले में आप सोच नहीं सकते कितना परेशानी होता है, क्योंकि आपको ये देखना है कि इंटेल लेना है कि AMD लेना है, फिर आपको ये देखना है मदरबोर्ड किस कंपनी का लेना है, गीगाबाइट का लेना है, MSI का लेना है, ASUS का लेना है, किसका लेना है, फिर रैम है तो रैम में 25 कंपनी है, फिर उसके बाद हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव में 5 कंपनी है, SSD है तो SSD में 10-12 कंपनी है। मतलब आप समझे बहुत उलझन होगा इतने सारे सामान को हैंडल करने में, और कॉम्बिनेशन गलत भी पड़ सकता है। कभी कभी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ECC रैम ले लिए लेकिन आपने मदरबोर्ड चेक नहीं किया था कि वो ECC सपोर्ट करता है, प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है, रैम है, लेकिन मदरबोर्ड वीक लिंक की तरह बिहेव किया और आपका ठीक से काम नहीं हुआ, तो बहुत फजीहत होता है। फजीहत के मामले में इससे तो बात ही नहीं करना, हद फजीहत होती है। दूसरा, चलिए ये फजीहत तो आप बोलोगे यार एक ही बार झेलना है, मतलब जब कंप्यूटर बना रहे फिर 3 साल बाद देखेंगे, ठीक, लेकिन अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो आपका बहुत सारा चीज़ होने के चलते आपको वारंटी के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपका मदरबोर्ड बिगड़ा, ठीक है, आप ASUS का सर्विस सेंटर गए, आपका हार्ड ड्राइव बिगड़ा, आप वेस्टर्न डिजिटल का सर्विस सेंटर पे गए, आपका रैम बिगड़ा, आप कॉर्सेयर का सर्विस सेंटर खोज रहे हैं, अरे वो तो आपके शहर में है ही नहीं। तो उलझन के मामले में इससे ज़्यादा उलझन कोई क्रिएट नहीं करता है। तो असेंबल कंप्यूटर पर अगर आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपकी रोज़ी रोटी चल रही है, तो ये बात आपको सोच समझ के करना चाहिए, कि क्योंकि कुछ भी खराब होगा पहले तो आपको खुद हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्या खराब हुआ है, आपका पावर सप्लाई बिगड़ा है कि मदरबोर्ड बिगड़ा है कि क्या बिगड़ा है, फिर उसके बाद उसके सर्विस सेंटर में जाके देखना होगा। और इससे ये भी झंझट हो जाता है कि बहुत सारे चीज़ें वारंटी जो है आगे पीछे होती है। जैसे मान लीजिए आप खरीद के हाथ धो लेना चाहते हैं, तो ठीक है, आप बोले कि भैया आपको 3 साल तक ये कंप्यूटर चलना चाहिए, ठीक है, आपने सारा सामान लिया, क्या पता आपका हार्ड डिस्क में सिर्फ 2 ही साल का वारंटी हो, क्या आपका मदरबोर्ड में 5 साल का हो लेकिन प्रोसेसर में सिर्फ 1 साल का वारंटी हो। तो ये सब वारंटी आप थोड़े बैलेंस कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट आप खरीदना चाहते हो उसमें एग्जैक्टली वही वारंटी मिले जो आप चाह रहे हो। तो फजीहत के मामले में बहुत होता है, और प्लस अगर कुछ ख़राब हुआ तो आपको खुद ही सॉल्व करना है। आपको अपने आप पर भरोसा है तो कीजिए, लेकिन फजीहत तब भी रहेगा। तो सब चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन फजीहत के मामले में हद फजीहत देता है। फिर हम बात करते हैं प्रीबिल्ट सिस्टम के बारे में। तो प्रीबिल्ट सिस्टम के बारे में एक पहले बहुत ख़राब इसको माना जाता था दो कारण से। पहला कि जो लोग कंप्यूटर बनाते थे उस टाइम पता नहीं क्या सोच के बनाते थे कि मतलब प्रोसेसर बहुत कमज़ोर दे दिया, बड़का ग्राफिक्स कार्ड दे दिया, अब प्रोसेसर के चलते ग्राफिक्स कार्ड चल नहीं रहा है, लेकिन वो मार्केट कर रहे हैं कि हमारा गेमिंग PC है। मतलब बैलेंस नहीं होते थे कंपोनेंट को, कहीं कहीं जगह पे गेमिंग PC कर रहे हैं, खूब भयानक CPU दे दिए, खूब रैम दे दिए, SSD दे दिए, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड एकदम सस्ता वाला दे दिए। तो मतलब अच्छा से चॉइस और बैलेंस नहीं होने के चलते काफ़ी लोग मतलब प्रीबिल्ट सिस्टम को अच्छा नहीं मानते हैं थे, लेकिन ये सब 2010 के आसपास से समझिए ठीक होने लगा है। अब चूंकि गेमिंग का इतना चलन बढ़ गया है, तो हर कंपनी अच्छे कंपोनेंट्स के साथ अच्छा बैलेंस सिस्टम बनाने लगी है जो कि आप खरीद सकते हैं। ये सब स्टॉक प्रोडक्ट है, ये इसका कीमत भरना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए Alienware आपके खरीदना 3.5-5 लाख का आता है, ठीक है,
ले लिया, लेकिन आपको मन हुआ कि हमको दो ग्राफिक्स कार्ड नहीं, चार ग्राफिक्स चाहिए, वो नहीं देगा एलियनवेयर। एलियनवेयर बोलेगा भैया मेरे पास सिर्फ दो ही वाला है, तो स्टॉक है, मतलब आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते क्या चाहिए। लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में इससे आगे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक डेल का कंप्यूटर लिया था, डेल इंस्पिरॉन 535S, और मैं इंडिया में रहता हूँ, झारखंड में रहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ किसी भी चीज़ का सर्विस सेंटर नहीं है। लेकिन जब मेरा सिस्टम ख़राब हुआ, मैं फ़ोन किया और वो आके सीधे चले लेकर ठीक करके चले गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरा एक कई बार क्या बोलता मतलब एक ही बार हुआ कि मेरा LCD में एक डेड पिक्सल आया। ऐसा होता है, मतलब चीज़ ख़राब होता है, आप कितना भी अच्छा कर लो चीज़ ख़राब होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया था, तो आराम से वो आए, मॉनिटर उठाए, कोई सवाल जवाब नहीं, बस मॉनिटर उठाए लेके गए, दूसरा मॉनिटर दे दिया, चलो काम खत्म। मतलब डिस्कशन ही नहीं था, मतलब उनको वो टेंशन नहीं। हाँ, वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं एक छोटे शहर में था तो वेट करना पड़ा उनका आने का। लेकिन अगर मैं खुद का असेंबल करता तो पहले मुझे कंप्यूटर दुकान वाले के पास जाना पड़ता, फिर उससे पूछना पड़ता कि कहाँ सर्विस सेंटर है, तो जनरली छोटे शहर में होता नहीं है। तो या आप उनको भेजिए कि, और उम्मीद कीजिए कि वो भेजेंगे। कई बार तो वो लोग पैसा मांगेंगे भैया हमको भेजना है वहाँ, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर वारंटी, दुकान की वारंटी नहीं है, तो ऐसा होता है। तो ये, और आप मान लीजिए ऑनलाइन खरीदें तब आप खुद खोजिए, अगर आप बड़े शहर में कोई दिक्कत नहीं है तब तो आपको पता होगा अरे वहाँ पे जाओ वहाँ इसका सर्विस सेंटर है, ठीक है निपटा देगा। लेकिन छोटे शहर में तो क्या कीजिएगा। तो इसीलिए रिलायबिलिटी के मामले में आपको इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ भी गड़बड़ होने में आपको लेना देना नहीं है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, आपको नहीं दिमाग लगाना है कि मेरा पावर सप्लाई उड़ा है, कि मेरा मदरबोर्ड उड़ा है, कि मेरा ग्राफिक्स कार्ड उड़ा है। आप बस एक बंदे को फ़ोन कीजिएगा कि भैया मेरा बिगड़ा है आओ, आपको कुछ और नहीं करना है। और ये कुछ कुछ कंपनी तो 24/7 मतलब कस्टमर केयर के मामले में एलियनवेयर काफ़ी आगे रहता है। हाँ, कुछ लोगों का बुरा एक्सपीरियंस भी है, तो वो हर चीज़ में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ में होता है। तो जैसे कि आपको कुछ भी गड़बड़ हुआ, आराम से आप बस फोन उठे, हाँ नहीं कर रहा है कंप्यूटर काम, वो आएंगे, वो खुद सल्टाएंगे, और अगर उनसे नहीं सल्टा तो नया कंप्यूटर देके चले जाएंगे जब तक वारंटी में। और वारंटी आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, 2 से 3 2 साल तो मतलब आराम से मिल जाएगा, 1 साल तो फुल वारंटी होती है, मतलब कि उसमें कुछ भी बिगड़ेगा वो संभालेंगे। तो वारंटी पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, मतलब बस 5 साल लिख दिया तो ध्यान से बस कूद मत जाइए 5 साल है, देख लीजिएगा कि रिप्लेसमेंट है कि रिफर्बिशमेंट है कि मतलब चार्ज्ड है, सर्विस चार्ज हटा देंगे, मतलब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो वही कह रहा हूँ कि पहले का जो समस्या था वो खत्म कर दिया गया है। और अगर आप आज लेते हैं, इसीलिए आप किसी भी कंपनी में जाइएगा तो जनरली देखिएगा HP का या डेल का या मतलब लिनोवो का कंप्यूटर लगाया जाता है, क्योंकि कंपनी नहीं रिस्क ले सकती कि भाई कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर ख़राब हुआ, वो एक दो कंप्यूटर रखेगी बैकअप में कि हाँ भाई एक दो कंप्यूटर रखे रहो हमेशा रिजर्व में, ठीक है एक कंप्यूटर किसी का ख़राब हुआ ठीक है आप लगाए काम करना शुरू करो, हाँ इसको फोन उठाओ, वो थोड़े बैठ के टाइम लगाएगा कि इसका मदरबोर्ड उड़ा है रैम उड़ा है। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है उसका खुद का खुद बहुत सारा आ रहा है तो भी वो नहीं करेगी, बल्कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम इज मनी। तो इसलिए रिलायबिलिटी के मामले में आप इससे नहीं बात कर सकते। और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हो तो आपको रिलायबिलिटी चाहिए। फिर परफॉर्मेंस ये कम देता है, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे ये कंप्यूटर बहुत पसंद आया, MSI Nightblade MI2, ये बहुत पसंद आया मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लोग प्रोसेसर जो दे रहे थे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, और मतलब जो पावर सप्लाई था वो कम पावर करता, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि ठीक है पावर सप्लाई बढ़ा दूँ ताकि मैं बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा दूँ, नहीं कर सकता था, क्योंकि वो MSI का सिस्टम है, हम उसमें थोड़े छेड़छाड़ कर सकते, कस्टम मदरबोर्ड है, हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसी कारण से एक तो मुझे नहीं मिलेगा कि जो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन रिलायबिलिटी मिलती है। तो आपको हिसाब लगाना, आपको एकदम एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए तो असेंबल्ड बनाइए, आपको एकदम सस्ता कंप्यूटर चाहिए तो असेंबल्ड बनाइए, आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसको आप खरीद के निश्चिंत हो जाएं कि जब तक एटलीस्ट वारंटी है तब तक एटलीस्ट मतलब समझिए सिर के ऊपर हेडेक ना आए, तो आपको असेंबल्ड ही लेना पड़ेगा, मतलब आपको प्रीबिल्ट ही लेना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन असेंबल्ड वर्सेस प्रीबिल्ट सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।